वेलकम स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके और बेल आइकन को प्रेस करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जो भी आगे हम वीडियोस अपलोड करेंगे उनका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। इस वीडियो लेसन में हम लोग क्लास 9th का जो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल। यहाँ पर एक वीडियो ट्यूटोरियल है, आप इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए। तो ये जो वीडियो ट्यूटोरियल जो आपके लिए इसमें यूज किया था हमने, इसमें देखिए क्या बताया गया कि द टू बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल। क्या दो बेसिक कंपोनेंट है? नंबर वन इज प्रोटोप्लाज्म एंड नंबर टू इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज दिस प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सेल का जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है, ये दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म फॉर्म करते हैं। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो हमारे सेल का लिविंग कंटेंट है, ठीक है? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये दोनों क्या है? हमारे सेल के लिविंग कंटेंट है। हम डिसाइड भी करते हैं इसी बेसिस पे कि कोई भी सेल लिविंग है या डेड है। जैसे कि आपने देखा था पिछले वीडियोज में कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सेल का डिस्कवरी किया था, तो बाद में ये पता चला था कि वो सेल डेड थे। ये कैसे पता कर रहा था? क्योंकि उन सेल्स में प्रोटोप्लाज्म नहीं मिला था, ठीक है? तो उनको हमने डेड सेल रिगार्ड किया था। तो लिविंग कंटेंट अगर प्रेजेंट है तो वो लिविंग सेल होगा, और अगर ये लिविंग कंटेंट मतलब कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जिसको मिलके हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, अगर ये नहीं प्रेजेंट है तो सेल डेड होगा, ठीक है? अब सेल मेम्ब्रेन जो है, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग एन एनिमल सेल, ठीक है? और प्लांट सेल में ये सेल वॉल के नेक्स्ट प्रेजेंट होती है। मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन होता है प्लांट सेल में, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, ठीक है? ये जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है, ठीक है, दे आर एनक्लोज बाय अ मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ये कवर्ड रहते हैं। देखिए ये सेल है आपका, ठीक है? इसके सेंटर में न्यूक्लियस है और यहाँ पे जेली लाइक मैट्रिक्स प्रेजेंट है, ये मीडियम है, इसको हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। न्यूक्लियस हो गया, फिर किससे एनक्लोज है? सबसे बाहर कौन सा मेम्ब्रेन है? सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं इसको, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं। अब सेल मेम्ब्रेन को और अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा एक बिग प्लास्टिक बैग को, ठीक है? जिसके सरफेस पे बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट हैं। अब इस बैग के अंदर क्या है? सेलुलर कंटेंट है। सेलुलर कंटेंट मतलब सेल ऑर्गेनल्स हैं, सेल इंक्लूजन्स हैं, ठीक है? अब ये बैग क्या कर रहा है? ये बैग इन सभी कंटेंट्स को आउटर एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रहा है, ठीक है? पोर्स जो हैं वो अलाउ करते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स के, कुछ सब्सटेंसेस के एंट्री और एग्जिट को, ठीक है? अब ये जो मेम्ब्रेन है वो एक्सट्रीमली थिन है, डेलिकेट है और इलास्टिक है। ये एक लिविंग मेम्ब्रेन भी है, ठीक है? तो इट सराउंड्स द साइटोप्लाज्म एंड रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन टू एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है? सेल के अंदर क्या एंटर करेगा, कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा सब्सटेंस एंटर करेगा और सेल के बाहर कौन सा सब्सटेंस जाएगा, एग्जिट करेगा, तो एंट्री एंड एग्जिट जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन डिसाइड कर रहा है। यहाँ पे ये प्लास्टिक का बैग जो है वो डिसाइड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिर्फ सर्टेन सब्सटेंसेस को ही अलाउ करता है उसके एंट्री और एग्जिट को, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में इसका स्ट्रक्चर और डिटेल्स कुछ हम यहाँ पे जानेंगे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना होता है, लेकिन इसमें जो मेजर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड क्या है?
एक लिपिड मॉलिक्यूल होता है जिसमें ये फास्फोरस प्रेजेंट होता है। इसके दो पार्ट हैं, आप देख रहे हैं, ये हेड है ठीक है, और उसके नीचे क्या है, टेल है ठीक है। तो ये जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का है, मतलब कि ये स्ट्रांग एफिनिटी रखता है वाटर के लिए, मतलब अगर वाटर यहाँ से आएगा तो वो मूव कर जाएगा ठीक है, हेड तक मूव कर जाएगा। उसके बाद जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, मीन्स अब इसके बाद में वाटर का मूवमेंट नहीं हो पाएगा, यहाँ पे ये वाटर मूवमेंट नहीं, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है ठीक है। इट लैक्स द एफिनिटी फॉर वाटर, वाटर के लिए इसका कोई भी अट्रैक्शन लव नहीं है। अब हम देखेंगे कि ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं ये अरेंज किस तरीके से होते हैं। ये इस तरीके से अरेंज होते हैं कि जो इनके जो पोलर हेड्स हैं, जिनको आपने बोला था हाइड्रोफिलिक, ये हेड्स आउटर साइड में होते हैं ठीक है। यहाँ देख लीजिए, ये बाहर की तरफ है और ये भी बाहर की तरफ है, और अंदर की तरफ क्या है, इनके टेल हैं, ये सब क्या है, टेल हैं, तो ये अंदर साइड में है ठीक है। फेस फैटी एसिड टेल्स फेस टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द बाई लेयर। ये दो लेयर्स हैं, एक ये लेयर है और एक ये वाली लेयर है ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर, अभी हमने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा, ये सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में बताया, और इस स्ट्रक्चर या इस मॉडल का नाम दिया फ्लूइड मोजाइक मॉडल ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो फ्लेक्सिबल नेचर का होता है और इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ओनली सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स, ये हमने अभी पढ़ा है यहाँ पे ठीक है। अब जो पोलर मॉलिक्यूल्स थे, पोलर हेड जिसको हम कह रहे थे, तो वो उसकी वजह से जो ग्लूकोज है, वाटर है, ये इजिली पास हो जाता है मेम्ब्रेन के थ्रू। लेकिन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जैसे ऑयल, दे कैन नॉट पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है। इस स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट को, जो कि सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को पास होने देता है, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं SPM ठीक है। एनिमल सेल्स में सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटर कवरिंग होती है, और प्लांट सेल में सेल वॉल होता है आउटर कवरिंग, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है सेल वॉल ठीक है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटेक्टिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फंक्शन क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द सेल सेलुलर ऑर्गेनल्स या फिर सेलुलर स्ट्रक्चर्स ठीक है, जो भी सेलुलर कंटेंट है जिसमें सेल ऑर्गेनल्स भी आते हैं, सेल इंक्लूजन्स भी आते हैं। इंक्लूजन्स में हम लोग वैक्यूल्स वगैरह को कंसिडर करते हैं, तो ये इन सभी कंटेंट को आउटसाइड एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, इट अलाउज मूवमेंट सेलेक्ट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, ओनली सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स आर अलाउड ठीक है। और उसके बाद है कि इट कैन एनगल्फ सब्सटेंसेस विद इन अ सेल थ्रू एंडोसाइटोसिस, ये सेल के अंदर सब्सटेंसेस को एनगल्फ भी कर सकता है, जैसा कि आपने देखा था अमीबा जो होता है, ये अमीबा में ये सीडोपोडिया है, और अगर यहाँ पे फूड पार्टिकल आ जाता है इनके जो सीडोपोडिया हैं वो इसको क्या कर लेते हैं, कवर अप कर लेते हैं। देखिए दूसरे डायग्राम से मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे ठीक है, इस तरीके से ये फूड मटेरियल आ गया अभी यहाँ पे, तो इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं एंडोसाइटोसिस ठीक है। और ये सेल जो है, या फिर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो सब्सटेंसेस को सेल के बाहर भी रिलीज कर सकता है, उसको हम बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन सेल्स, जो सेल्स हैं उनके बीच में कनेक्शन का भी काम करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन सेल के अंदर और सेल के बाहर कौन कौन से प्रोसेसेस के थ्रू होता है। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन ठीक है। कहाँ से कहाँ है, हाई कंसेंट्रेशन का जो रीजन है यहां से लोअर कंसेंट्रेशन का जो रीजन है उसकी तरफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा ठीक है। अब जितना ज्यादा डिफरेंस होगा कंसेंट्रेशन में, उतना ही ज्यादा रैपिड होगा मॉलिक्यूल्स का फ्लो ठीक है। डिफ्यूजन में जो भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है वो रैंडम होता है और इंडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है ठीक है। द मोस्ट मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन इज ट्रांसमिशन
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द ह्यूमन बॉडी, इसको समझ लेंगे अच्छी तरीके से कि ये जो किस तरीके से ये रहता है, डिफ्यूजन किस तरीके से होता है, उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग देखेंगे जो हमारा लंग्स होते हैं उनमें लंग्स के अंदर जो उनके टर्मिनल्स होते हैं ब्रांचिंग के, उसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये एक एल्वियोलाई है और इसके सराउंडिंग में ब्लड वेसल होता है। अब यहाँ पर लंग्स में हम लोग जब ब्रीद इन करते हैं तो इनहेलेशन के टाइम पे ऑक्सीजन गैस पहुंच जाता है। अब ये ऑक्सीजन गैस ब्लड वेसल के अंदर डिफ्यूज होगा। डिफ्यूज क्यों हो रहा है, हम क्यों कह रहे हैं ये डिफ्यूज हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का एल्विओलाई के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, अब ब्लड के अंदर जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे वो कम है। हाई कंसंट्रेशन रीजन से ऑक्सीजन मूव कर जाता है ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर एक रेड पिगमेंट है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, और फिर यहाँ से ये जो ब्लड है वो ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड वो सभी सेल्स के अंदर पहुंच जाता है। अब सेल्स के अंदर क्या होता है, सेल्स के अंदर जो आपने न्यूट्रिशन प्रोसेस में फूड कंज्यूम किया था, ठीक है, उस फूड के साथ में ये ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है। फूड प्लस ऑक्सीजन, यहाँ से प्रोडक्ट में क्या बनता है, प्रोडक्ट में बनता है एक और गैस जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है, H2O भी बनता है, वो अलग है। अभी हम जो बात कर रहे हैं उस सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स को कंसीडर करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ब्लड में डिजॉल्व होके, ब्लड के प्लाज्मा में डिजॉल्व होके वापस से यहाँ पे आ जाता है एल्विओलाई के पास में, और फिर ये एल्विओलाई से कार्बन ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड एल्विओलाई में वापस से डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होता है एल्वेलाई और ब्लड वेसल के बीच में। और दूसरा जो यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख रहे थे जो हमने बताया था आपको कि एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या है, देखिए उसको भी समझ लीजिए। न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या है, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है वहां पे इनर वॉल पे एल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये एल्वेलाई है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ठीक है, ये इनर सरफेस है, इस तरीके से मॉडिफाइड होती है। अब यहाँ पर जो भी फूड मटेरियल इधर से पास होगा वो डिफ्यूजन प्रोसेस से जो इस स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लड वेसल से ये फूड कहाँ जाएगा, वही सेल्स के अंदर जो अभी बता रहे थे आपको कि जिस तरीके से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके फूड भी ट्रांसपोर्ट होता है। ये भी किस प्रोसेस से हो रहा है, डिफ्यूजन से हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक यहाँ पे डिफ्यूजन का एक वीडियो ट्यूटोरियल देखेंगे, आप उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से सब्सटेंसेस जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं अपने हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन में, और तब तक मूव करते हैं जब तक कि दोनों तरफ का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल नहीं हो जाता है। ठीक है, तब तक वो डिफ्यूजन प्रोसेस कंटिन्यू होती है। उसके बाद में हम एक और यहाँ पे प्रोसेस पढ़ रहे हैं जिसके थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल के अंदर और सेल के बाहर, ऑस्मोसिस। इट इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। देखिए समझते हैं किस तरीके से आपने क्या किया यहाँ पे, देखिए दो सॉल्यूशन लिए, इस सॉल्यूशन को हम ए मार्क कर दे रहे हैं, ठीक है, और ये वाला जो सॉल्यूशन है इसको हम बी मार्क कर दे रहे हैं। आप देख रहे हैं सॉल्यूशन ए में जो सॉल्यूट्स हैं, ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं आपको, ये सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सॉल्यूट यहाँ पे कम दिख रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे वाटर ज्यादा है, तो वाटर ज्यादा इसलिए हम बोल रहे हैं हायर वाटर कंसंट्रेशन। दूसरी तरफ जा रहे हैं तो वहां पे सॉल्यूट ज्यादा है,
ठीक है, और सॉल्वेंट कम है तो लो वाटर कंसंट्रेशन। अब इन्हीं सॉल्यूशन को ये हमने जो कंसंट्रेशन लिखी है वो वाटर के टर्म्स में लिखी है, तो पहले वाटर के टर्म्स में समझ लेते हैं फिर सॉल्यूट के टर्म्स में समझेंगे। तो अभी द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ वाटर या फिर सॉल्वेंट फ्रॉम अ रीजन वेयर इट्स कंसेंट्रेशन इज हायर टू अ रीजन वेयर इट्स कंसेंट्रेशन इज लोअर, मतलब वाटर कंसेंट्रेशन जहां ज्यादा है उधर से कम की तरफ, जहां कम वाटर कंसेंट्रेशन है उधर मॉलिक्यूल्स ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोसिस बोल रहे हैं। लेकिन ये मूवमेंट किसके थ्रू हो रहा है, एक एसपीएम के थ्रू हो रहा है, एक सेमी परमियबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, अब इसको ये तो हमने ऑस्मोसिस बोल लिया, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि किस तरीके से हम इन दोनों सॉल्यूशंस को सॉल्यूट के टर्म्स में भी ऑस्मोसिस बता सकते हैं। तो देखिए ये जो फर्स्ट वाला जो है ए, जिसको हमने मार्क किया था सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूट कम है, तो आप बोलेंगे कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसा है, लो है, क्योंकि सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्यूट कम है इसलिए लो कंसंट्रेशन का ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, लो कंसंट्रेशन। दूसरी तरफ जब जाएंगे हम तो यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है तो हाई कंसेंट्रेशन। ठीक है, हाई कंसेंट्रेशन। अब आप समझ रहे होंगे कि जब हम सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे बताएंगे कि लो कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, लेकिन जब आप वाटर कंसेंट्रेशन लिखेंगे तो फिर वहां पे बोलना पड़ेगा कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हाई वाटर कंसेंट्रेशन टू लो वाटर कंसेंट्रेशन, और ये हमने कौन सा कंसेंट्रेशन ले रखा है, सॉल्यूट का। तो जब सॉल्यूट कंसिडर करोगे तो लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन, और जब वाटर कंसेंट्रेशन कंसिडर करेंगे तो हाई वाटर कंसेंट्रेशन टू लो वाटर कंसेंट्रेशन, दिस इज ऑस्मोसिस, अ स्पेशल केस ऑफ। चलिए यहाँ पे हम एक और वीडियो ट्यूटोरियल आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए और समझिए ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है, अब ये वीडियो लेसन जो आपने यहाँ पे अभी वीडियो ट्यूटोरियल जो आपने देखा
इसको देख के आपको ऑस्मोसिस समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में रखने पर। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऑस्मोसिस का सिग्निफिकेंस देखेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है ऑस्मोसिस का, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू ऑस्मोसिस प्रोसेस बिकॉज द वाटर कंसेंट्रेशन इज हायर इन सॉइल देन इन रूट्स, देयरफॉर वाटर मूव्स फ्रॉम सॉइल टू द सेल्स। और सेल्स में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेमी परम्यूबल मेम्ब्रेन ऑलरेडी प्रेजेंट है। वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द ट्यूबल्स ऑफ नेफ्रॉन्स ऑफ द किडनी थ्रू ऑस्मोसिस। ठीक है, आपने देखा, आपको यहाँ पे एक डायग्राम से समझाते हैं कि जो किडनी ट्यूब्यूल होता है, ठीक है, इस तरीके से ये किडनी ट्यूब्यूल होता है एक, और यहाँ पे ब्लड वेसल इसको सराउंड किए होती है। अब जो भी ब्लड से जो भी सब्सटेंसेस थे वो रिमूव होके इस ट्यूब्यूल में आ जाते हैं। ठीक है, अब अगर इस ट्यूब्यूल में कुछ एसेंशियल सब्सटेंसेस आ गए तो उनका रीअब्सॉर्प्शन भी होता है। आपने पढ़ा था यहाँ पे कि इस रीजन में वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है, किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा था, वो ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा था। ठीक है, दूसरा जो रूट से वाटर एब्जॉर्ब होता है, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स, वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा है, तो ये सिग्निफिकेंस है। अब हम यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। Look at these three pictures. What do you think these pictures represent? These pictures represent three different types of solutions. That is isotonic, hypotonic, and hypertonic solutions. Let's focus on isotonic solution. An isotonic solution contains similar solute and water concentration both inside the cell and in the medium. So what is a hypotonic solution? A hypotonic solution contains less salt in the medium as compared to the cell. The cell contains higher solute and lower water concentration. When cells are kept in such a solution, water enters the cell and this results in the swelling and bursting of the cells. We finally come to a hypertonic solution. It is a type of solution that contains more salt concentration in the medium as compared to the cells. When cells are placed in such solutions, water moves out of the cell, thereby resulting in the breaking down of the plasma membrane. तो ये जो वीडियो ट्यूटोरियल था, इसको देखने से आपको समझ में आया होगा कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा और मैं भी समझा देता हूँ आपको। आपको क्या करना है, रेजेंस लेने हैं, ठीक है, रेजेंस जो किशमिश होती है उन, या मुनक्का कह सकते हैं, उनको पानी में रखना है। पहले वाले सोल्यूशन में क्या किया गया है, इसमें प्योर वाटर है, और प्योर वाटर में जब आपने रेजेंस को रखा तो क्योंकि जो वाटर का कंसेंट्रेशन है वो रेजेंस के बाहर ज्यादा था, यहाँ पे सॉल्यूशन में ज्यादा है, हाई वाटर कंसेंट्रेशन है, तो वाटर जो है वो रेजेंस के अंदर मूव कर गया। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हुआ, रेजेंस जो है दे गेट सोलन अप। ठीक है, दूसरे सॉल्यूशन में क्या किया गया है, यहाँ पर हमने जितना कंसेंट्रेशन वाटर का रेजेंस के अंदर था उतना ही कंसेंट्रेशन हमने बाहर मेंटेन किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, ना तो रेजेंस से बाहर वाटर मॉलिक्यूल आएंगे ना ही बाहर से रेजेंस के अंदर मूव करेंगे, मतलब यहाँ पे कोई भी ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, और तीसरा जो एग्जांपल हमने लिया है उसमें क्या किया है, आपने रेजेंस को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा है, मतलब कि सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दिया है, तो यहाँ पर रेजेंस के अंदर से जो वाटर है वो बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बाहर रिलीज होगा वाटर, इसको बोलेंगे हम, ये भी क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है। ठीक है, अब तीनों सोल्यूशन आपको समझ में आ गया। हाइपोटोनिक सोल्यूशन जहाँ पे वाटर कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है बाहर के मीडियम में, आइसोटोनिक में सेम होता है, और हाइपरटोनिक में जो रेजेंस है उनके अंदर ज्यादा वाटर कंसेंट्रेशन है, सोल्यूशन में वाटर कंसेंट्रेशन बहुत कम होता है, सॉल्यूट कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इस टाइप का ये मूवमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेसन जो है हमारा, उस वीडियो लेसन में हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल
न्यूक्लियर्स के बारे में, ठीक है? थैंक यू, और भूलिएगा नहीं, हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए, और हमारा जो इनिशिएटिव है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में जितने भी स्टूडेंट हैं फतेहगढ़ और फर्रुखाबाद शहर के, गांव के, वो सारे बच्चे कुछ ना कुछ सीखते जाएं, उस इनिशिएटिव को आप सभी लोग सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।